तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की सैमसंग गैलेक्सी की टिप बताने वाला हूँ, जिससे आप अपनी सैमसंग गैलेक्सी को अगर आपका स्लो चल रहा है तो उसको स्पीड अप कर पाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करें। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल एस एच टेक में। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने मोबाइल का स्पीड अप कर पाएंगे, मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा, बहुत ही सिंपल टिप्स दूंगा जिससे आप अपने मोबाइल की स्पीड को स्पीड अप कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पर अपने मोबाइल की सेटिंग पे। मोबाइल की सेटिंग्स पर चले जाना है। यहाँ पर आपको जाना है सबसे नीचे बैटरी एंड डिवाइस केयर वाले ऑप्शन पे। बैटरी एंड डिवाइस केयर वाला ऑप्शन मिलेगा जो कि अब डिवाइस केयर हो चुका है, आपको उसके अंदर चले जाना है। उसके अंदर जाने के बाद आपको जाना है यहाँ स्टोरेज वाले सेक्शन पे। स्टोरेज वाले सेक्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, चाहे तो आप इसको शो मोड्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखा रहा है कि रिसाइकलिंग बिन में जो भी आपका डेटा पड़ा है आप तो पहले उसको अनइंस्टॉल करो, मतलब जो भी है आपका उसको यहाँ से डिलीट मारो, मतलब कुछ भी आपके स्पेंडिंग नहीं होना चाहिए। सब चीज़ों को यहाँ से आपको क्लियर कर देना है, सबको यहाँ से क्लियर करना है। अनयूज्ड ऐप जितनी भी हैं, आप अगर अनयूज्ड ऐप बहुत सारी रखी हुई हैं तो सबको डिलीट मारो, ये सबसे ज़्यादा हैंगिंग का इश्यूज देती हैं। आपको सबको सिलेक्ट कर लेना है, जिन ऐप्स को अगर आप यूज़ नहीं करते उन ऐप्स को आपको सिलेक्ट करना है और उसको डिलीट मार देना है। इससे भी आप काफ़ी ज़्यादा अपने मोबाइल की स्पीड अप कर पाएंगे, तो आपको वो डिलीट कर देना है। उसके बाद आएंगे डुप्लीकेट्स फाइल, जो भी आपके पास डुप्लीकेट्स फाइलें हैं सबको उठाओ और यहाँ से डिलीट कर दो, इससे स्पेस भी फ्री हो जाएगा और मोबाइल की थोड़ी सी चलने में भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लार्ज फाइल में आएंगे, ये भी आपको सबको देख लेना है, जो भी आपको लग रहा है कोई भी काम का नहीं है सबको डिलीट कर दो। ये भी आपके मोबाइल की काफ़ी हद तक यहाँ पर यह आपकी स्पेस भी बचाएगा और मोबाइल के चलने की स्पीड भी बचाएगा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है ऐप कैचे। इससे सबसे ज़्यादा हैंगिंग होता है, तो आपको ऐप कैचे को ही रिमूव करना है। ऐप कैच मतलब कि हर ऐप की अलग अलग ऐप्स होती हैं, अलग अलग ऐप्स में वो स्टोर करके रखते हैं, तो आपको ऐप कैचेस को रिमूव करना है, जो कि यहाँ पर 12 GB की बता रहा है। तो कैसे रिमूव करेंगे ऐप कैचे को, तो उसको रिमूव करने के लिए लाइक जैसे कि व्हाट्सएप पे आप जाएंगे, यहाँ पर अगर मैं आपको यहाँ ले जाऊँ तो आप देखेंगे मेरा व्हाट्सएप पे कैचेस कितना पड़ा हुआ है। मैं अभी करूँगा नहीं, आप भी मत करना, आपका डेटा वहाँ पर डिलीट हो जाएगा। तो ये इतना ज़्यादा कैचेस पड़े हुए हैं, इन सबको डिलीट करेंगे तो जाके वो वहाँ से डिलीट होगा। तो आप जितनी अनइंस्टॉल ऐप्स या अनयूज्ड ऐप को डिलीट करेंगे ऑटोमेटिक वो कम होता जाएगा। सबसे पहले आपको ये चीज़ कर लेनी है। दूसरी चीज़, आपको अपने मोबाइल को टाइम टू टाइम रीस्टार्ट करना है, मतलब कि आप कोशिश करो कि पर डे में एक बार तो आप अपने मोबाइल को रीस्टार्ट ज़रूर करें। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि मोबाइल की जो फालतू की जो ऐप्स के जो कैचेस रहते हैं ना, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक वो रिमूव हो जाते हैं। तो आप उसको रीस्टार्ट करते रहेंगे ना तो ऑटोमेटिक वो रिमूव करता रहेगा, तो आपको वो कर लेना। अगर आपको नहीं कर पाते, भूल जाते हैं, तो उसके लिए एक सेटिंग्स बता देता हूँ। उसके लिए वापस आपको यहाँ सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद डिवाइस केयर में जाना है। डिवाइस केयर में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा ऑटो ऑप्टिमाइजेशन वाला ऑप्शन, आपको उस पर क्लिक करके उसको ऑटो रीस्टार्ट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर रीस्टार्ट व्हेन नीडेड पे और रीस्टार्ट व्हेन शेड्यूल भी कर दो, तो ऑटोमेटिक इस दिन वो ऑटोमेटिक वो रीस्टार्ट हो जाएगा और आपके ऑटोमेटिक क्लीनिंग करता रहेगा, जैसा कि इस पे लिखा भी हुआ है। ये आपके मोबाइल की काफ़ी हद तक प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देता है, तो आपको इसको भी सेट आउट कर देना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सीट क्या करनी है, आपको अपने मोबाइल की सॉफ्टवेयर को अपडेट करके रखना है। ऐसा नहीं हो कि आपके पास कोई अपडेट पेंडिंग पड़ा हो, तो सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करके रखना है, ये भी काफ़ी हद तक स्पीड अप के लिए इश्यूज रहता है, तो आपको इसको भी अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के लिए आप सॉफ्टवेयर अपडेट पर जाएंगे, इसको चेक एंड अपडेट्स में इसको चेक करते रहना है। और सबसे ज़रूरी चीज़, ये जितनी भी ऐप्स आपकी रहती हैं ना, ये सबको डिलीट कर देना भाई, ये सबसे ज़्यादा रैम खाती है और उससे ज़्यादा ही आपका मोबाइल स्लो होता है, इन सबको कर देना है कम। इसके अलावा भी आपको कुछ एक्टिव बताता हूँ, वो ये है कि फालतू की ऐप्स जो कि ऑथराइज ऐप स्टोर पे नहीं होती, लाइक प्ले स्टोर पे और गैलेक्सी स्टोर पे नहीं मिलती, आप कहीं से भी उसको डाउनलोड ना करें, वो भी बहुत ज़्यादा हार्म करती है। तो हमेशा जेन्युइन प्ले स्टोर से ही या फिर जेन्युइन स्टोर से ही ऐप को डाउनलोड करें। अब इसमें एक चीज़ और करना है आपको, उसके लिए अबाउट फोन में जाना है, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाना है, बिल्ड इन में जाना है, यहाँ पर आपको डेवलपर ऐप ऑप्शन को इनेबल कर लेना है, ठीक है।
डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करने के बाद बाहर आएंगे तो आपको यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर इसको ऑन करने के बाद आपको जाना है यहाँ पर एनिमेशन वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर एनिमेशन लिखा होगा, उस एनिमेशन को आपको कर देना है। एनिमेशन कम कर देंगे तो उससे भी काफ़ी हद तक आपके यहाँ पर जो चलने की स्पीड है वो बढ़ जाए, कम हो जाएगी, मतलब स्पीड बढ़ जाएगी जैसे यहाँ पर लिखा है ना। तो सबको आपको यहाँ पर ऑफ नहीं करना है, ऑफ करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। 0.55 सब में कम कर देना है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे स्पीड थोड़ा सा फ़र्क आपको लग रहा होगा, अगर मैं यूँ खोलूँ और यूँ करूँ तो आपको थोड़ा सा फ़र्क लग रहा होगा। तो ये भी स्पीड में इश्यूज रहते हैं। तो यही कुछ टिप्स थी जिसको आपको फॉलो कर लेना है जिससे आपके मोबाइल की स्पीड अप हो जाएगी। डेटा और सबसे ज़रूरी स्टोरेज को हमेशा 90% या बोल सकते हैं 80% से कम ही फुल करें। मतलब कि अगर मान लो आपके मोबाइल की स्टोरेज 90% फुल है या हाँ 90% या 90% से फुल है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो हमेशा अपने मोबाइल की जो स्टोरेज है ना 90% से या 80% से नीचे ही रखो जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना है। तो इस तरीके की टिप्स से आप अपने मोबाइल को स्पीड अप कर पाएंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक भी फॉलो कर लेना। तो थैंक यू।